हमारी फिल्म के संदर्भ में फंसे हैं मंदी में, और सिर्फ ओबामा नहीं फंसे हैं, मेरी फिल्म के तमाम जो 5-6-7 इंपॉर्टेंट किरदार हैं वो भी मंदी में फंसे हैं। अंडरवर्ल्ड के हाल क्या थे मंदी में, गैंगस्टर्स किस तरह की मंदी की मार झेल रहे थे, वो दिखाने की कोशिश हमने की है बहुत व्यंग्यात्मक बहुत हास्यात्मक तरीके से। वेल एक्सपीरियंस काफ़ी अद्भुत था, बिकॉज एक एक्टर होने के नाते यू नो कई बार जिंदगी में मौके मिलते हैं कि आप हर एक किस्म का रोल कर लें, एंड फॉर मी आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ एक्शन रीप्ले एंड देन बीइंग अ पार्ट ऑफ फस गया रे ओबामा, मैं अपने आप से ही काफ़ी सरप्राइज हूँ कि मैंने ये कैसे कर लिया, बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू प्ले एंड शो ऑल ऑफ यू दैट द वर्क आई हैव डन प्लेइंग मुन्नी मैडम। Well, the film is called Phas Gaye Obama. President Obama is in India right now. It's partly chance, partly planned, I think, because the producers thought it'll be a good time to release the film at this time to generate media buzz. So I think it's part of a strategy, release strategy, what they call. Phas Gaye Obama, मैं ओबामा को नहीं फंसा रहा हूँ, मैं उनसे कह रहा हूँ, अरे ओबामा भाई फंस गए रे, मतलब आपके कंट्री के एक बंदे को हम किडनैप करते हैं, उसको खुद चिकन भात खिलाना पड़ रहा है, उसके बाद खुद ही पैसा नहीं है साले को कि हमको खिला सके, तो इसलिए भैया हम गलती हो गई, हम अमेरिका के किसी को किडनैप कर दिए, बांग्लादेश नेपाल भूटान श्रीलंका के करते तो कुछ और बात होती। मैंने एक बहुत ही काहिया किस्म का एक उठाव गिर है फिरौती के लिए उठा लेता है, और बहुत पावरफुल आदमी है उस राष्ट्र का, कोशिश किया अच्छा हुआ ऐसा लगता है। आई होप सो, आई होप सो, आई ट्राई एंड डू समथिंग न्यू एवरी टाइम, आई ट्राई नॉट रिपीट माई सेल्फ एट लीस्ट, दैट्स व्हाई आई डोंट डू मेनी फिल्म्स, बिकॉज आई वेट फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी, अ न्यू काइंड ऑफ अ कैरेक्टर। दिस फिल्म इज फन, आई एंजॉय डूइंग दिस फिल्म वेरी मच। आप नेगेटिव से ज़्यादा जोर जो है रियल लगे, ऐसा लगे कि नेगेटिव भी अगर हो तो कैरिकेचर ना लगे, ऐसा कुछ अपनापन लगे कि हाँ भाई ये तो हार्ड मास का और खून से भरा इंसान है, तो वो इंसान जैसा हो वो तो कैरेक्टर हो गया, लेकिन इंसान की तरह लगे, कार्डबोर्ड के कटआउट की तरह ना लगे, ये मैंने कोशिश की। जब मैं फिल्म की शूटिंग कर रहा था तो मुझे नहीं इस बात का पता था कि बराक ओबामा साहब हिंदुस्तान तशरीफ लाने वाले हैं, जब मैं फिल्म की डबिंग और पोस्ट प्रोडक्शन कर रहा था तब ज़रूरी खबरें आने शुरू हो गई थी कि वो हिंदुस्तान आने वाले नवंबर, और जब हमने फिल्म की शूटिंग शुरू की थी तभी हम लोग सोच रहे थे हम लोग अक्टूबर नवंबर दिसंबर में फिल्म को रिलीज करेंगे, बट मेरे लिए बहुत अच्छा इत्तेफाक है, मैं तो चाहूँगा कि वो हफ्ता 10 दिन और रुकें, क्योंकि मेरी जैसी छोटी फिल्म के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो मुझे पता नहीं हिंदुस्तान दौरे से बराक ओबामा साहब अमेरिका के लिए क्या लेके जाने वाले हैं या हमको क्या देके जाने वाले हैं, लेकिन मेरी फिल्म को जरूर उनको कुछ फ़ायदा पहुँचाया। आई थिंक ओबामाज़ विजिट इज ग्रेट बूस्ट फॉर ट्रेड फॉर बोथ कंट्रीज एंड आई थिंक दैट्स हिज मेन ऑब्जेक्टिव ऑल्सो। आई थिंक इन दिस वर्ल्ड टूडे ट्रेड हैज़ बिकम अ बिग थिंग फॉर पीपल हैव रियलाइज्ड दैट इकोनॉमी इज वॉट जनरेट्स गुडविल। So I think a lot of effort is being made in that direction, and whether 50,000 jobs are generated there or here, I think eventually the benefit will be to both countries. So I don't think ki 50,000 naukriyan wahan ke liye le gaye Obama ji to yahan se naukriyan kam ho jayengi, aisa nahi hai. Eventually if the trade is good then both countries will benefit, not only both these countries but eventually the economy of the whole world. Dekhiye Neha Dhupia jo hai wo pehli dafa aap unko ek pashchimi Uttar Pradesh ki खड़ी बोली में बात करने वाली गैंगस्टर के रूप में देखेंगे, और उसका एक अपना अंदाज है बात करने का, अपना एक तरीका है, वो तू तड़ाक करके मुँहफट किस्म की औरत है, वो सिर्फ ऑल वुमन गैंग चलाती है, उसकी गैंग में सिर्फ महिलाएं वो मर्दों से नफरत करती है, एंड शी टेक्स लॉट ऑफ प्राइड इन द फैक्ट दैट शी कॉल्स हरसेल्फ कि मैं फीमेल गब्बर सिंह, तो उनका रेफरेंस वो है कि एक गब्बर सिंह था जो मर्द था, अब दूसरी मैं, तो ये फीमेल गब्बर सिंह का कहानी फिल्म में पहली बार मुझे नेहा धूपिया का एक बहुत ही अलग रूप और अलग काम दिखा। खैर गब्बर सिंह को तो नहीं भूल सकते, वो तो शोले हैं और वो एक बेंचमार्क है, और ये लेडी गब्बर सिंह है तो ये एक अलग तरह का बेंचमार्क है। देखिए फिल्म में गीत नहीं है, फिल्म में फिल्म की कहानी को दरअसल उस तरह की हिंदी फिल्म का जिस तरह का संगीत होता है गाना बजाना नाच उसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन फिल्म में एक प्रमोशनल गाना जो भी हमने आपके सामने प्ले किया, और फिल्म में बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ तक म्यूज़िक का ताल्लुक है,
और फिल्म को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि आप गाना बजाना या नाच गाना मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ना तो उसकी कहानी में ज़रूरत है, लेकिन म्यूज़िक वीडियो और प्रमोशनल वीडियो आजकल फिल्म को प्रमोट करने का एक अच्छा आधार है, एक अच्छा तरीका है, तो वो हमने एक प्रमोशनल वीडियो उसको वैन में रखते हुए बनाया।